बिरयानी खाना तो किसको ना पसंद है, लेकिन बनाने में बहुत आलस लगता है। तो आज हम लेके आए हैं एकदम सिंपल इजी बिरयानी, पनीर बिरयानी रेसिपी, और एक ही बर्तन में बनाएंगे, ज़्यादा गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर देखिए, हमने पनीर काट लिया है, टमाटर, धनिया, हरा मिर्च, और यहाँ पे मैंने बासमती चावल भिगो के रखा है, और इधर है मटर, और इधर है खूब सारा प्याज, दो प्याज लिया है बड़ा बड़ा। और इधर मैं बनाने वाली हूँ हांडी में, हांडी में डाल दिया है मैंने घी, और काफ़ी सारा घी डालूंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल यूज़ करूंगी, सरसों का ऑयल यूज़ करूंगी, मुझे सरसों का ऑयल बहुत पसंद है। आप चाहे ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड करूंगी। अब जो है हम इसमें जीरा डालेंगे, उसके बाद खड़ा गरम मसाला डालेंगे, और इसको काफ़ी टाइम तक थोड़ा सा भून लेंगे हम। और इसमें भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं प्याज, तो सबसे पहले हम प्याज ऐड कर लेते हैं, और प्याज को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, जिससे कि थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम पेस्ट, तो इसमें डाला है अदरक, लहसुन और जीरा पेस्ट। चाहो तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि पीसने में जो स्वाद है ना, वो पाउडर में इतना अच्छा आता नहीं है। और अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसमें से जो कच्चापन है ना, वो निकल जाए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे अब नमक और हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, आपके पास अगर कश्मीरी नहीं है तो आप नॉर्मल वाले भी डाल सकते हैं, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ अपने स्वाद अनुसार। और इधर मैंने डाल दिया है हल्दी, ये भी आपके क्वांटिटी के हिसाब से डालना जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि सबका अलग अलग क्वांटिटी होता है। तो इधर देखिए, अभी हम इसको मिला लेते हैं, और इसमें हरा मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, और टमाटर डालने के बाद 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो टमाटर को ना हमें ऐसे ही काट लेना है, इसको पीसना नहीं है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे गैस को, और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा मसाला ठंडा हो गया है, और यहाँ ले लिया है हमने दही, और दही को हमें अच्छे तरीके से फेंट लेना है, जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। और गैस को हमने ऑफ़ कर रखा है अभी भी, और ऑफ़ करके ही मिक्स करना है हमें दही को और मसाले को। और देखिए, इधर हमने दही और मसाले को मिक्स कर लिया है, अब हमें गैस को ऑन कर लेना है। तो हमने ऑन भी कर लिया है गैस को, और अभी अच्छे तरीके से इसको मिलाते रहना है और करछी को चलाते रहना है। थोड़े टाइम तक हम इसको भून लेंगे, और 2 मिनट तक हम इसको ढक के फिर से फ्राई करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है 2-2 मिनट, तो 2-2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है, और अभी हम इसमें डालने वाले हैं मटर। अब हम इसमें डालने वाले हैं पनीर, तो हमने पनीर को ना क्यूब में कट कर लिया था पहले ही, तो हमने अभी इसमें पनीर डाल दिया है, और पनीर को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेना है, और उसके बाद 3 मिनट बाद आके उसके बाद इसको फिर से हमें थोड़ा सा करछी से हिला लेना है कि नीचे ना लगे, और हमें ना बार बार चेक करते रहना होगा, जिससे कि नीचे ना लगे। और हमने थोड़ा सा अभी धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, चाहो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, और चाहो तो अब आप अभी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी थोड़ा सा ऐड करूँगी, और लास्ट में भी थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूँगी। अब मैं ऐड करने वाली हूँ चावल, तो इसमें डाल दिया है मैंने चावल, जो कि मैंने थोड़ा पहले ही सोख करके रखा था। और इसमें डाला है मैंने बिरयानी मसाला, अब डाल दिया है पानी, तो चावल के बराबर ही पानी डालना है, जितना कप चावल होगा उससे दुगना पानी डालेंगे हम इसमें। और इधर देखो, हमारे बिरयानी में उबाल आ गया है, और अभी हमें क्या करना है, ढक्कन को थोड़ा सा फैला के रखना है। तो इधर हमारा बिरयानी बन गया है, लास्ट में मैंने थोड़ा और धनिया ऐड किया है, प्लस थोड़ा घी भी ऐड किया है। आप घी ऐड करो चाहे ना करो, बट मैंने थोड़ा सा लास्ट में घी ऐड किया है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए, अभी हमने सर्व भी कर लिया है प्याज और नींबू के साथ। आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी ईजी बिरयानी है, और काफ़ी जल्दी बन जाता है, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय।